क्या क्या आंटी? कल्याणी कैसी हो बेटा? बहुत प्यारी लग रही हो। एक बात कहूँ, तुम तो बिल्कुल अपनी मम्मा माधुरी की डिट्टो रेप्लिका कॉपी हो। अच्छा लगा आपसे मिलकर। कल्याणी पुत्र, ये तेरा ही घर है, जब भी मन करे आ जाओ। देखो बातों बातों में मैं तो भूल ही गई, तुमसे सृष्टि मिलना चाहती थी। ये सृष्टि है और सृष्टि ये मेरी दोस्त माधुरी देशमुख की बेटी है। कल्याणी लेकिन तुम्हारी मम्मा नहीं आई, कहाँ है? क्या हुआ सृष्टि? माधुरी अब इस दुनिया में नहीं है। आई एम सो सॉरी। कल्याणी अब अनुप्रिया के साथ रहती है, वो बिल्कुल इसकी मम्मी की तरह ही है। ओह नहीं, सिर्फ गार्डियन है वो मेरी, मेरी माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही कल्याणी, माँ की एक अलग ही स्पेशल जगह होती है सबकी जिंदगी में। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि माँ जैसा प्यार और कोई नहीं दे सकता। अब राखी आंटी को ही देख लो, बिल्कुल माँ जैसा प्यार करती है मुझे। कल्याणी मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अनुप्रिया आंटी को थोड़ी सी अपने दिल में जगह देनी चाहिए। हो सकता है कि माँ को खोने का जो दुख है वो कुछ हल्का हो जाए। मेरी माँ जैसा प्यार मुझे कोई नहीं दे सकता, ना ही मुझे चाहिए। उनकी यादों के साथ जी लूंगी। अब सृष्टि, कल्याणी को पापा के दर्शन करा लो। कम, अरे तुम गणपति जी को देखोगी ना तो मैं इतनी खुश हो जाऊंगी। अच्छी सजावट की है ना। अरे शप्पर, कल्याणी आज तो बड़ी अच्छी लग रही हो। एक बात बताओ, अगर माई तुम्हें इन कपड़ों में देखेगी ना तो उनका दिल को बहुत खुशी मिलेगी। कहीं तो मैं नहीं चाहती। अरे क्या लड़की हो तुम, तुम्हारा भी ना समझ में नहीं आता, हमेशा कोई ऐसा काम जरूर करना जिसे किसी ना किसी को कोई ना कोई दिक्कत तो जरूर हो। और भला ये कौन सा तरीका हुआ अपनी अच्छाई छुपाने का? हो गया क्या तुम्हारा? देखो मुझे इरिटेट मत करो, ठीक है? अपना ये जो प्रवचन है ना अपने पास ही रखो। मैं तो अच्छी एडवाइस दे रहा था तुम्हें, और मेरी बात मानो तो अपना असली रूप ना सबके सामने ही रखा करो, तब तुम्हें बहुत 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 सारा प्यार करेंगे। चले सृष्टि, या प्लीज एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज गो। ये लड़की ना तेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनने वाली है। वैसे सही कर रहे हो यार, स्मूथ लाइफ में कोई थ्रिल ही नहीं है। और लाइफ में प्रॉब्लम ना होने से अच्छा इस प्रॉब्लम को अपनी लाइफ पार्टनर बना लो, सुखी रहोगे। क्या हुआ, बात समझ में नहीं आई? नहीं, मैं समझाऊं? हाँ, ये जो लड़की यहाँ पे खड़ी थी ना, लंबी सी, 9 फुट लंबी, चबी, यहाँ से गई है। एक टाइम पे ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, बात बात पे मुझे बहुत परेशान करती थी, आई कुडंट स्टैंड हर एट ऑल। फिर अब सब कुछ मैं ही बताऊं यार। समझ ना, दिल का मामला है यार।
इश्क वालों से न पूछो कि उनकी रात का आलम तन्हा कैसे गुजरता है, जुदा हो हम सफर जिसका वो उसको याद करता है, ना हो जिसका कोई मिलने की फरियाद करता है। खाना बन चुका है, आइए प्रसाद ग्रहण कीजिए। हम सारे पंडित जी पूरा दिन उपवास रखेंगे, गणपति बप्पा की शाम की आरती भी हम उपवास में ही करेंगे। उपवास में की हुई पूजा बहुत ही श्रेष्ठ होती है। अरे यार, इस डायमंड के चक्कर में कल से भूखा हूँ, एक निवाला तक नहीं गया मुंह में, ये भूख बर्दाश्त नहीं होती अभी, और अगर अब कुछ नहीं खाया ना तो यहीं बेहोश होकर गिर जाऊंगा। काम करता हूँ, रसोई में तो खाना रखा ही होगा, वहीं जाकर कुछ खा सकता हूँ। जी पंडित जी, मैं अभी आया। ठीक। मैंने आपको कहीं पहले देखा है? अजीत, पूजा पाठ में कहीं देखा होगा? घनश्याम मिश्रा है हमारा नाम। पूजा पाठ में तो नहीं देखा, कहीं और ही देखा, कहाँ देखा याद नहीं आ रहा। आप याद कीजिए, तब तक मैं अपना काम करके निकल लूँगा। मतलब? मेरा मतलब है मैं अपना काम तो कर लूँ। ओके। वह क्रिकेटर, जब तक तुझे याद आएगा ना कि मैं कौन हूँ और कहाँ मिला था, मैं वो हीरा लेकर इंडिया से बहुत दूर पहुंच जाऊंगा, फिर किसी के हाथ नहीं आऊंगा मैं। ए, बता, हट कैसे गए तुम? ए, तू बता। ए, सर वो जिम्नास्टिक में एक्सपर्ट था। ए, वो, अरे तुम दो थे और वो अकेला। सर वो बहुत तेज था। फिर भी काबू में नहीं कर पाए। मैं दिखाता हूँ कितनी तेजी। एक मेरी उंगलियां कितनी तेज चलती है। यही ठोक डालूंगा तेरे को। जानता है इस बुलेट में कितनी बिजली दौड़ती है? बता। मुझे पता है कहाँ गया, मैं आपको लेके चलता हूँ। कहाँ जल्दी? चल बता कहाँ गया वो। करण लुतराए घर।
ए, चलो करण लूथरा के घर। सबसे पहले हम डायमंड उठाएंगे, उसके बाद समर को मार डालेंगे। अपने माफिया गैंग को बोल दिया था कि समर को मार डाला है, भाई लोगों को पता लग गया कि वो जिंदा है, अपनी कोई इज्जत नहीं रहेगी, समझे? ए, चलो सारे। जी मैं वो थोड़ा थक गया था तो आराम आराम कर रहा था। आपने तो अनशन रखा हुआ है। बड़े पंडित जी ने कहा था कि आप सभी ने आज निर्जल व्रत रखा हुआ है ताकि गणपति जी की पूजा श्रद्धा के साथ संपन्न हो। व्रत जी रखा है लेकिन आप तो खा रहे हैं। नहीं तो देखिए इस किचन में कोई भी आकर कुछ भी खाए उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब बड़े पंडित जी ने कहा कि आप सबका व्रत है आज, और व्रत तो एक तरह की तपस्या होती है ताकि पूजा पाठ को और भी बल मिल सके, और आज हम सबके लिए बहुत ज्यादा खास पूजा है, आप आज के दिन इस तरह व्रत तोड़ के सबकी नजरों से छुप के या पेट भर के खा रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। जी आपको मैं कह सकता हूँ कि मैं खाना नहीं खा रहा था। मैं आपको ये भी कह सकता हूँ कि आपको गलतफहमी हो गई है, लेकिन जी मैं पंडित हूँ, मैं झूठ नहीं बोल सकता। दरअसल ऐसी बात है कि दो दिन से मैंने कुछ खाया नहीं था। मेरे 5 महीने 10 दिन का बच्चा खो गया था जी, तो उसको ढूंढने के चक्कर में मैं भूखा प्यासा रह गया। वो आज सुबह ही मिला, वो तो मैं पूजा पाठ में भी आ गया, वहाँ बैठा था तो चक्कर आ रहा था मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा खा लूँ। पता है गलत बात है, लेकिन आप ही बताइए, भूखे पेट भोजन के बारे में सोचना बेहतर है या भरपेट भगवान की ध्यान देना? प्लीज वो गुरुजी को मत बोलिए, मुझे काम से निकाल देंगे, मेरी रोजी रोटी छीन जाएगी और मेरा परिवार सब दर दर भटकता रहेगा। मुझ पर दया कीजिए, मैं ऐसी गलती फिर दोबारा नहीं करूंगा, मैं वचन देता हूँ। ठीक है, मैं बड़े पंडित जी को कुछ नहीं बताऊंगी। धन्यवाद। क्या झटका लगा मोनिश, आई मीन शी इज इन शॉक। फैंटास्टिक, यस। अब तुम्हें उसके ऊपर नजर, तुम लोग चलो। अरे भी हम क्यों नहीं? हाँ? अरे तुम लोग कभी भी लड़पड़ते हो यार, तुम अपनी जिम्मेदारी भूल जाते हो, ऐसे थोड़ी होता है ना, हम इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। एक मिनट ऋषभ जी, मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं लड़ूंगी, लेकिन हमें मौका तो मोनिश पर नजर रखने का यार। आप तो जानते हैं मैं बहुत ही जिम्मेदार लड़का हूँ, सारी जिम्मेदारियां निभाता हूँ। सभी आज त्योहार का दिन है, लड़ाई तो छोड़ो, मैं पुलन देवी से आर्ग्यू भी नहीं करूंगा, ठीक है? और हमें अब सब सारे, इनफैक्ट हम सबको मिलके उसके ऊपर नजर रखनी पड़ेगी, ओके? यस, डोंट वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दिस टाइम। प्रॉमिस अगली बार। प्रॉमिस। प्रॉमिस। बच गई यार लड़की। यार ये अगर ये लड़की रीता मेरी बात नहीं मानती और पंडित जी से मेरी शिकायत करने पर अड़ी रहती तो बड़े दुख के साथ मुझे इस खूबसूरत सी कन्या को यही खत्म करना पड़ता। इस किचन में चाकू और छुरी के अलावा कुछ हथियार है ही नहीं। सब्जी फल काटने वाले छुरी से मैं अगर इंसान को काटूंगा तो दिक्कत तो होनी है। चलो शुक्र है बच गई, बचा लिया ढूंढ तुमने उसे। कुछ तो अजीब है, मतलब दो दो मिनट में अपनी बात बदल रहा था। पंडित लोग ऐसे थोड़ी होते हैं, वो तो बहुत सच्चे और अपने नियमों के बहुत पक्के होते हैं, कुछ भी करेंगे लेकिन पूजा पाठ में कमी नहीं आने देंगे। इसने तो भोज और भगवान का कोई और ही कनेक्शन बताया, कहता कि खाली पेट पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता है। ये पंडित है भी या नहीं? व्रत जी रखा है लेकिन आप तो खा रहे हैं। नहीं तो मैं कहाँ खा रहा? आपकी प्लेट पड़ी हुई है यहाँ पर, इस पंडित को लेकर कुछ तो गड़बड़ है।
इससे पहले कि उस लड़की को मुझ पर शक हो जाए मुझे अपना काम निपटा कर यहाँ से निकलना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे उसे मेरी बातें याद आती रहेंगी ना वैसे वैसे उसका शक बढ़ता जाएगा। नहीं समर, ऐसा नहीं हो सकता, उस लड़की की नजर से बच के रहना। तो इस पंडित पर तो नजर रखनी पड़ेगी, इसकी बातें इसके बहाने कुछ तो सही नहीं है, कुछ देखना होगा। ये कहाँ जा रहा है? इसका तो पीछा करना पड़ेगा, देखूं तो सही कहाँ जा रहा है, क्या करता है, पूजा में शामिल भी होता है या नहीं। कुछ तो चल रहा है इसके दिमाग में, इसके इरादे ठीक नहीं लग रहे। पूरा यकीन हो गया मुझे, ये आदमी सही नहीं है। इसकी चाल ढाल देखकर लगता है पंडित कम लुटेरा ज्यादा है। ना चेहरे पर शांति ना आंखों में नरमी है, चोरों की तरह इधर उधर देख रहा है हर तरफ। कोई पंडित पुजारी ऐसा हो ही नहीं सकता। कुछ ज्यादा ही अलर्ट है ये बंदा, लगता है डरता है कि कोई इसका पीछा ना कर रहा। पर क्यों, किस बात से डर रहा है? यहाँ तो कोई नहीं है, लगता है मेरे मन का भ्रम। पृथ्वी जी, हेलो। पिताजी, मुझे आपसे ना बहुत अर्जेंट काम है, बहुत अर्जेंटली मिलना है आपसे। तो मैं आपके घर भी गया था आपसे मिलने के लिए, लेकिन आपका घर लॉक था, आई थिंक आप कहीं बाहर गए हो, है ना? जी, घर पे कोई नहीं है, हम लोग सब यहाँ लूथर हाउस में है, गणपति दर्शन के लिए आए थे। आपने बहुत अच्छा किया प्रीता जी जो आप वहाँ चले गए। वैसे एक बात बताइए, राखी आंटी मुझसे नाराज है? जी पता नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है ना प्रीता जी, लूथर हाउस में जब भी कोई फंक्शन होता है या सोशल गैदरिंग होता है ना, तो राखी आंटी हमेशा मुझे इन्वाइट करती है, पर इस बार नहीं किया तो मुझे लगा कि शायद वो मुझसे नाराज है। वैसे एक बात कहूं प्रीता जी, मुझे भी वहां आने का बहुत मन कर रहा है लूथरा हाउस में, क्योंकि गणपति फेस्टिवल चल रहा है, तो गणपति बापा के दर्शन कर लूंगा और इसी बहाने आपसे भी मिलना हो जाएगा, तो प्लीज क्या मैं वहां आ जाऊं? हाँ, थैंक यू सो मच प्रीता जी हाँ बोलने के लिए। मैं जल्दी पहुंचता हूँ वहां पर, आके आपसे मिलता हूँ और पापा के दर्शन भी ले लूंगा। बाय, सी यू। हेलो पृथ्वी जी, फोन काट दिया। पृथ्वी जी यहाँ क्यों आ रहे हैं? करण मुझे बहुत नाराज हो जाएगा, मुझे कहेगा कि मैंने उन्हें क्यों बुलाया है, जबकि मैंने तो बुलाया भी नहीं। मैं कौन होती हूँ इनवाइट करने वाली, ये मेरे घर में थोड़ी हो रहा है, हम तो सब लूथरा हाउस में है ना, जब इन्होंने इनवाइट नहीं किया तो। और यहाँ पर मुनीषा भी है, अभी तक उसकी हाँ या ना का कुछ पता नहीं चला है, ऊपर से पृथ्वी जी आ जाएंगी मुझसे सवाल पे सवाल करेंगे कि मैं करण का साथ क्यों दे रही हूँ, मैं क्या जवाब दूंगी, मैं कैसे इस सिचुएशन को संभालूंगी। पृथ्वी जी तो डेफिनेटली इस शादी के खिलाफ होंगे, कहेंगे जब वो लड़की गलत है तो उससे शादी क्यों करने को कह रही हूँ मैं, और मैं तो उन्हें बता भी नहीं सकती हूँ कि इस शादी की वजह क्या है। क्या मैं उनको बता ही देती हूँ जब वो यहाँ आएंगे तो। फैंटास्टिक बेबी, तुम लूथर हाउस पहुँचने वाली हो, मैं भी वहाँ पर आ रहा हूँ, बहुत जल्द पहुँच जाऊँगा। आई विल सी यू देयर। नहीं प्रीता, तुमने बहुत अच्छा किया जो पृथ्वी को बुला लिया गणपति बापा के दर्शन करने के लिए, मैं ही उन्हें बुला लेती, लेकिन इस मोनिशा के चक्कर में ये बात मेरे ध्यान से ही निकल गई। I'm so sorry। शुक्र है राखी आंटी को बुरा नहीं लगा कि पृथ्वी जी अनइनवाइटेड यहाँ पर आ गए, वरना मुझे तो बहुत ऑड लग रहा था। त्योहार के वक्त पूरा परिवार एक साथ रहे तो अच्छा लगता है ना। बस अभी आई। सही कहा, सारा परिवार साथ में हो तो कितना अच्छा लगता है। पिछले साल इसी दिन पापा ने मुझे अभी जीजू और प्रज्ञा दी से मिलवाया था।
गॉड क्या सॉरी किसके ख्यालों में हो? अभी जीजू और प्रज्ञा दीदी के ख्यालों में तो नहीं? हाँ तुम्हें उनके बारे में सोच रही थी। हाँ मैं तो सोच रही थी कि अगर आज के दिन अभी जीजू और प्रज्ञा दी हमारे साथ होते तो गणपति जी के आने की खुशी में एक दूसरे के साथ खूब डांस कर रहे होते। कितने क्यूट लगते ना। जन्म 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 साथ चलना ही कसम तुम्हें कसम माँ के मिलना यही एक जान है भले दो बदन हो जुदा मेरी हो के हमेशा ही रहना कभी ना कहना अलविदा मेरी सुबह हो तुम ही और तुम ही शाम रज के रुलाया रज के हसाया मैंने दिल खो के इश्क कमाया मांगा जो उसने एक सितारा हमने जमीन पे चांद बुलाया जो आँखों से कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी वो जो कहते थे बिछड़ेंगे ना हम कभी अलविदा हो गए देखते देखते वो I'm
अच्छा डांस था आप भी प्रज्ञा देखो बहुत मिस करते हैं ना हम कोई नहीं अमेजिंग मतलब मैंने फिल्मों में एक दो बार देखा था जमाल घोटे का कमाल लेकिन रियल लाइफ में किसी ने एक्चुअल में जमाल घोटा पिया हो और उसके बाद उसका क्या असर हुआ होगा ये देखनी पाई मैं ये मुझे देखना है कहाँ रखा था मैंने किसी ये हुई ना बात कहते हैं 10 मिनट में वॉशरूम के 50 चक्कर लग जाते हैं वेरी गुड कोई सी लायक है अभी दिखाती हूँ तुझे yes. अब मैं मोनिशा को जाके ये स्पेशल जमाल घोटे वाला प्रसाद दे दूंगी तब उसका हाल होगा बेहाल और तब मैं उसको बताऊंगी कि मेरी जुबान तो जुबान पर मेरे दिमाग के घोड़े भी बेलगाम दौड़ते हैं आज उसे पता चलेगा कि मैं ईंट का जवाब पत्थर से देती हूँ एक्सक्यूज मी अभी अभी क्या बोल रही थी तुम कुछ नहीं करीना मैम नथिंग रियली इसका मतलब ये है कि तुम्हें अपने आप से बात करने की आदत है नहीं नहीं मेरा मतलब है हाँ आई मीन टू से हाँ कभी कभार अपने आप से बातें कर लेती हूँ मैं वो क्या है ना जब मेरे आसपास कोई नहीं रहता ना तो मैं ये सोचती हूँ कि मैं खुद तो हूँ ना अपने पास मुझसे ज्यादा और मुझसे लंबी लंबी बातें और कौन कर सकता है भला नहीं मतलब होता क्या है कि सृष्टि ए सृष्टि बी से बातें करती है और सृष्टि बी उसी की लैंग्वेज में तेज तरार जवाब देती है आप नहीं समझे मैं समझाती हूँ जैसे कि अभी आप मेरे सामने आ गई है तो जैसे मैं अभी आपको बोलूंगी हेलो करीना मैम हाउ आर यू सब कुशल मंगल सब ठीक ठाक है हाँ ओ माय गॉड आज आपने तो अमेजिंग साड़ी पहनी है मैचिंग ज्वेलरी अमेजिंग आई सो लव यू रियली आई लव यू टू थैंक यू ना 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 आई डिडंट मीन दैट हां ऑफ कोर्स यू डिडंट एक्चुअली मैं तुम्हारी दी से फिलहाल बहुत प्यार करती हूँ क्योंकि तुम्हारी दी की वजह से मेरे करण और ऋषभ वापस घर आए और तुम मेरे लिए मायने नहीं रखती ऑफ कोर्स करना मैं ये प्रशांत ये यहाँ कौन छोड़ गया लोग भी ना कोई इज्जत ही नहीं प्रशांत सॉरी बुआ वो थोड़ी मस्ती के मूड में था समीर इतने बड़े हो गए बचपना नहीं गया अब तक हाँ सॉरी बुआ अरे अरे मैं तो भूल ही गया था वो दादी आपको याद कर रही है हॉल में बहुत अर्जेंट काम है हाँ एक मिनट ये प्रसाद मुझे दे दो अच्छा लगता खा लेना वेस्ट मत करना प्रसाद है ओके पक्का पक्का डोंट वरी मुझे बहुत पसंद है थैंक यू मोनिशा या तो आज रोके के ना कर देगी क्या ना कर देगी बात एकदम क्लियर हो जाएगी लेकिन उसके लिए उसका होश में होना जरूरी है ना इसलिए जब हमारा तीसरा धमाका है ना वो मेन मुद्दे को स्पॉइल कर देगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम पक्का पक्का आई प्रॉमिस यू पक्का मैं उसे ठिकाने लगा देती हूँ हाँ लगा दे अब सॉरी सृष्टि
तुम्हें बताया ना, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। एक मिनट, तुमने कब बताया? नहीं बताया। नहीं तो अब बता देता हूँ, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। चल दोस्त, एक सॉलिड सा धमाका कर देना, मौके का फायदा उठाकर मैं भी अपना काम कर लूंगा। अच्छा सुन, तुझे ना तेरा धुआं हर तरफ फैलाना चाहिए ताकि कोई किसी को देख ना पाए। उतने में जाके मैं गणपति के सर से अपना हीरा वापस ले आऊंगा। काम खत्म, काम फतेह। चल इसको ना किचन में रख देता हूँ, ये बेस्ट रहेगा मेरे लिए। गाड़ी स्टार्ट कर, निकल। जब तक मैं वो समर के बच्चे का गला दबाकर जान न ले लूंगा, मुझे चैन नहीं मिलेगा। बॉस फिंगरप्रिंट्स का ध्यान रखना, मुझे सिखाएगा चने के छिलके। ए लंगड़ा बंद करो बेवकूफ, बंदूक तेरे पर गोली है कि नहीं? अरे कोई भी गलती की ठोक डालूंगा बेवकूफ गधे कहीं के। सर इसमें गोली बहुत कम है। चेक कर, चल चल गाड़ी का स्टार्ट कर, निकल। बॉस नाका मत जागे, टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। ओए चलो। ए, तेरे को बोला आगे बढ़ाने के लिए, क्यों नहीं बढ़ाया? चल गाड़ी के पेपर दिखा। अरे हवालदार साहब, ये नाकाबंदी क्यों है? कोई हीरा चोरी हो गया क्या? डायमंड रंजन इकड़ा। ए पाटिल गाड़ी निकाल, गाड़ी निकाल। आज समीर कितनी तारीफ कर रहा था मेरी, और दिल से बोल रहा था, बहुत अच्छा लगा। कभी कभी बहुत स्वीट हो जाता है समीर। अरे मुझे समीर के बारे में सोचना बंद करना होगा, वरना भूल जाऊंगी कि ये मोनिशा पे नजर रखनी है। काश काश मैं वो जमाल गोटे वाला प्रसाद मोनिशा को खिला देती, लेकिन ये समीर है ना, रोक दे इसने मुझे। अगर नहीं रोका होता तो उस पर नजर रखना कितना आसान हो जाता। मतलब मोनिशा वॉशरूम गई, मोनिशा वॉशरूम से बाहर, मोनिशा फिर से वॉशरूम गई, मोनिशा फिर से वॉशरूम से बाहर, वॉशरूम बाहर, वॉशरूम बाहर। अगर ये नजारा देखना मिलता तो कलेजे को ऐसी ठंडक पहुंचती, लेकिन अब ये मोनिशा को ढूंढू। लो एक चुड़ैल का नाम लिया, दूसरी हाजिर। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे बारे में क्या सोच रही हो। काफी टैलेंटेड लड़की हो तुम, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं सोच रही थी। नहीं अगर कोई वजह है जो तुम्हें पता और मुझे नहीं तो बता दो मुझे। वजह यह है कि तुम्हारे छोटे से दिमाग में मेरे बारे में कोई अच्छी बात तो आ ही नहीं सकती ना, बुरा ही सोच रही हो। क्या मतलब चुड़ैलों वाला टैलेंट लेकर पैदा हुई हो तुम, स्मार्ट चुड़ैल। हाउ डेयर यू सृष्टि, तमीज से बात करो। अरे तुम्हें बुरा लगा क्या? तुम भी ट्राई करो ना, बोलो ना चुड़ैल, मजा आएगा तुम्हें, नाज होगा तुम्हारे इस नए नाम पर जो तुम्हारे काम को बिल्कुल सूट करता है। ट्रस्ट मी सृष्टि। अरे एक मिनट यार, तुम मुझसे ना ये ट्रस्ट वस की बातें मत किया करो, क्योंकि ट्रस्ट ईमानदार लोगों के लिए होता है और मैं चीटरों से बात नहीं करती। बाय द वे तुम इतनी लेट क्यों आई? ओह आई नो, चुड़ैलो वाली स्कीम सोच रही होगी ना कुछ खुराफात करने के लिए, है ना? एंड बाय द वे मैं तुम्हें बता दूं कि जो मेरी बहन को चोट पहुंचाने की कोशिश करता है ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करती। मेरी बहन को धक्का देकर गिराने की कोशिश की थी ना तुमने, इतना ध्यान रखना शैलन खुराना मेरी दी मेरी जान है और मेरी दुनिया है। और अगर आज तुमने कोई चुड़ैलों वाली हरकत करने की कोशिश की ना, तो तुम्हारा वो हशर करूंगी कि तुम याद रखोगी।
जानकी यहाँ पे क्यों आई है? मैं जाके करीना आंटी से मिलती हूँ। शुक्र है शर्लिन डाइन नो इतना तो याद है कि जानकी ने उसका क्या हाल किया था। ठीक, कोई बात नहीं, वो एक्चुअली घर पे गणपति जी को रखा है ना, इसलिए। चलिए बाद में बात करते, बाय। करीना, अक्षय और उसके पेरेंट्स नहीं आए? उन्हीं से बात करी थी मॉम, कह रहे थे आज नहीं आ पाएंगे। वो क्या है ना कि अक्षय के चाचा जी के घर पे भी गणपति जी को रखा गया है, वो लोग वहां जा रहे हैं, कह रहे थे पूजा स्थापना में वक्त लगेगा, इसलिए कल आ पाएंगे हमारे पास। ठीक है। क्या बात है मॉम, आप इतनी दुखी क्यों लग रही हैं? नहीं, दुखी नहीं हूँ, मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। किसने आपको परेशान किया मॉम? किसकी इतनी हिम्मत है कि मेरी इजाजत के बगैर मुझे परेशान करे है? मैं तो बस करण के लिए थोड़ी सी परेशान हूँ कि वो लड़की मुनिशा के चक्कर में वो फंस गया है, उसने हाँ कर दिया शादी के लिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो सच में हमारे घर में बहू बन के आ जाए, मैं तो घुटन से मर जाऊंगी करीना। हाँ बिल्कुल, टेंशन मत लीजिए मॉम, वो लड़की इस घर की बहू कभी नहीं बनेगी। जैसे मैं पूरे खेल का मजा ले रही हूँ, आप भी बैठ के मजा लीजिए। देखिए मॉम, शादी में बहुत सारी रस्में होती हैं, हमारे पास बहुत सारा वक्त होगा, ऐसा मजा चखाएंगे ना कि वो लड़की मंडप तक पहुंच ही नहीं पाएगी, भाग खड़ी होगी यहाँ से। देखिएगा, दोबारा लूथरा हाउस की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगी। ओह गॉड, ये लोग तो सीधे साधे दिखते हैं, इतना टेढ़ा प्लान बनाना कब से सीख गए? ये दोनों तो हमारी तरह चालबाजी कर रहे हैं, बेचारी मोनिशा को परेशान करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। मेरे पास एक सुपर आइडिया है। बताइए। तेरी क्लब वाली फ्रेंड्स आई है ना, उनके सामने मोनिशा को बुलाते हैं और नौकर की तरह ट्रीट करते हैं, एकदम से यहाँ से भाग जाएगी। मॉम, वो लड़की कोई सीधी साधी गाँव की लड़की नहीं है, बहुत ही स्मार्ट लड़की है। मेरी फ्रेंड्स को वो ऐसे इम्प्रेस कर देगी ना कि मेरी सारी फ्रेंड्स उसकी मुट्ठी में आ जाएंगी। आप जानती है ना कितनी बड़ी ड्रामेबाज है वो लड़की, आपने कोर्ट में देख ही लिया ना। वो मुझे देखते ही चुप, जरूर ये दोनों मेरे खिलाफ ही कुछ बोल रही होंगी। मोनिशा, ओ माय बच्चा, दादी जी मेरा दम घुट रहा। मुझे कितनी खुशी है कि तूने हाँ कर दी शादी के लिए। मुझे भी एग्जैक्टली वही खुशी है। हाँ, लग रहा है। मैं जाती हूँ। वाह वाह, इस उम्र में इतनी सी स्ट्रेंथ, क्या करूँ, मेरी डॉक्टर प्रीता अरोरा, she keeps me fit and fine। आपने ये सब कुछ जानबूझ के किया ना? और नहीं तो क्या, और देखिए कैसी शक्ल बनाई थी उसने। ये दोनों कब से इतनी खतरनाक हो गई? मुझे जल्दी से जाकर पृथ्वी को अलर्ट करना होगा। ये पृथ्वी मेरी ऋत्विक से बात क्यों नहीं करवा रहा? जब भी बात करवाने को बोल रही हूँ कोई ना कोई बहाना करके बात टाल देता है। ऋत्विक तो कोर्ट में भी इतना परेशान था मेरे लिए, कहीं उसने गुस्से में आके पृथ्वी को कुछ कह तो नहीं दिया, और पृथ्वी मुझसे बदला लेने के लिए सब कर रहा है। गॉड, यहाँ पर कोई मेरा नहीं, ऋत्विक मेरी इतनी केयर करता है, मुझे कभी कुछ नहीं होने देता, लेकिन ये पृथ्वी, ये तो एक नंबर का सेल्फिश आदमी है। इसे जो इंसान अपनी गर्लफ्रेंड का नहीं हो सकता, वो अपने दोस्तों का क्या होगा? इसे क्या लगता है मैं इसके हाथों की कठपुतली हूँ, जिसे जब चाह जो चाह कुछ भी करा लिया? आने दो से, मैं इसकी बैंड बजा दूंगी, समझता क्या खुद को? तुझे रेड कलर पसंद है? रेड अच्छा लग रहा है। रेड अच्छा लग रहा है। हाय अरुण। वरुण। हाय वरुण। हाय वरुण दर्शन। करण सर। कितनी भोली भाली प्यारी सी शक्ल लगती है ना इसकी। क्या हो गया? आप दोनों इतने सरप्राइज क्यों हो गए? जैसे मैंने आप दोनों की कोई चोरी पकड़ ली हो। नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं, एकदम सही कहा आपने, शक्ल तो उनकी बहुत भोली। एक मिनट, इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं, इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करती। अरे जंगली बिल्ली है, जंगली बिल्ली। मुझे तो पूरा पूरा शक है कि किसी से अफेयर चल रहा है। प्रीता, यू ओके? प्रीता जी, मतलब आपको कैसे मालूम चला कि पापा? पता कहाँ से लगाना है, चेहरे पे साफ साफ दिखता है। अरे मैं
सारा फॉल्ट तुम्हारा है। क्या जरूरत थी अपने साथ कमरे में लेकर जाने की? मेरा एक बात बताओ, मैं आंटी को कब कमरे में लेकर गया? बोलो क्या? हाँ, मैं कब लेकर गई उनको? कुछ भी बोल रही हो। तुम्हें वो आंटी लगती है? नहीं मतलब देखने में तो ठीक ठाक है, गोरी एंड ऑल, लेकिन मेरा पर्सनली तो मन करता है कि मिट जाओ। पिताजी वो क्या हो गया आपको? आप ठीक हैं? Are you okay? मॉम है आपकी पिताजी? नहीं, तुम गणपति पे क्या भांग की गोली खाकर आई हो क्या? हाँ, हो क्या? क्या क्या मॉम है आपकी? ऐसे मॉम है मेरी? सरला आंटी? सरला आंटी तुम्हारी अच्छी माँ, भोली माँ। एक मिनट, आपको लगा कि मैं अपनी माँ की बात करी? मतलब मैं अपनी माँ के बारे में ऐसी अनाप शनाप बातें बोलूंगी कि उनका लगा कि वो है कि वो नहीं है? हमें लगा कि वो कोई और है। पिताजी मैं तो डर गया था, वही बात तो मैं बता रहा हूँ, इसलिए हम लोग। आई डोंट बिलीव दिस, मतलब ये तो पहले से ही पागल था। ऋषभ जी, आपने ये पागलपंती वाला गैंग कब से ज्वाइन कर लिया? कमाल करते हो दोनों। आई जस्ट सैंडविच खाते हैं। कलयुग, घोर कलयुग है। बड़ा भाई राम सम्मान और छोटा उसका लाडला लखन, पर दोनों पर ये कैसी लांछन? तू यहाँ क्या कर रहा है? और क्या बोला था तूने कि बड़ा भाई राम छोटा भाई लखन, कैसा लगा इन पे लांछन? नहीं नहीं, इन्होंने कहा था ये तो है नादान, मैं हूँ बुद्धिमान, और फिर भी तुम्हारी बुद्धि कैसे भ्रष्ट हो। पृथ्वी जी, तुम्हारी शुद्ध हिंदी की शुद्धता की दात देनी पड़ेगी ना? इनको तो तोहफा देना चाहिए। तोहफा सजेस्ट करो इनके लिए। कुछ नहीं भाई, है तो शैतान,
फिर भी आज हमारा है मेहमान। क्या बोल रहे हो तुम दोनों? अरे छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, रात की बात गई, किस्सा खत्म। रात गई ना ही बात गई। अच्छा वैसे बात से याद आया, तुम हम दोनों को बाहर देखकर कैसा लग रहा है तुमको? अरे तुम दोनों मुझे बहुत गलत समझ रहे हो। हाँ, हाँ। मैं जेन्युइन वेलविशर हूँ तुम दोनों का। अच्छा शुभचिंतक, सिर्फ तुम दोनों का ही नहीं, इस घर का, इस परिवार का, सब लोगों का। अरे शुभचिंतकता की जरूरत नहीं है इस घर को, ये बहुत अच्छे इंसान है। देखो ना कितने फूल झड़ रहे हैं इनकी बातों से। गुलाटी मार, बंदर ऐसी गुलाटी मारता ना, यही इसकी औकात है। तू अपनी औकात में रहकर बात कर वरना। वरना क्या क्या करेगा तू, क्या करेगा तू? निकल आ जा, निकल आ जा। क्या हो गया, क्या हो रहा है ये? मैंने पृथ्वी जी को इनवाइट किया है। और तुमने इसे इनवाइट किया यहां पर? साला आंटी ने क्या कहा था, किसका नंबर अपने फोन से अभी का भी डिलीट करो, तुमने इसे यहां क्यों इनवाइट किया? हां करण क्या कर रहे हो तुम, ऐसे सीन मत क्रिएट करो। पूजा मैं सीन क्रिएट करो, मैं सीन क्रिएट करो। आप दर्शन करने के लिए आए हैं ना, आप प्लीज चलिए यहां से। अरे इसको निकालो यहां से। आइए आइए प्लीज। आंखों में भूसा भरा है क्या बे अंधे? मैं तो पीछे देख रहा था, तू तो सामने देख रहा था ना। तूने अपनी आंखों पर बैंडेड लगा के रखी है क्या? देख के नहीं चल सकता तू? पंडित जी सॉरी। बड़े पंडित जी को बोलिएगा कि छोटे को तमीज सिखाए। नमस्ते आंटी जी। प्रीता मुझे जरूरी बात करनी है, जरा आना। आंटी जी, आंटी जी मेरी बात तो सुन। माँ वो मैंने राखी आंटी को बता भी दिया था कि पृथ्वी जी ने कहा उन्हें कुछ जरूरी काम है। सभी क्या जरूरी काम आ गया था? मैं आपको बताता हूँ आंटी जी। आंटी जी एक ख्याल है जो आजकल मुझे बहुत परेशान कर रहा है, मेरे दिन का चैन, रात की नींद सब खो गया है। इस वजह से आपसे मिलना बहुत जरूरी था आंटी जी। आंटी जी आपने कहा था ना कि मैं आपका और पिताजी का नंबर डिलीट कर दूं, पर मैंने ऐसा नहीं किया। आप लोगों से कट जाना मतलब खुद की जिंदगी से कट जाना, मैं जिंदा ही नहीं रह पाऊंगा आंटी जी, क्योंकि पिताजी अब मेरी जिंदगी बन चुकी है और आप मेरा परिवार हो। आप ही ने मुझसे कहा था ना एक बार कि मैं आपके बेटे की तरह हूं। आंटी जी मैं मानता हूं कि मैंने बहुत गलतियां की है, लोगों की बातों में आकर न जाने क्या कुछ नहीं कह दिया मैंने आपसे। मुझे अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है, मैंने अनजाने में मैं डर गया था आंटी जी, और कुछ नहीं। आंटी जी मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, वादा करता हूँ कि आइंदा से ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं जानता हूँ कि मैं बार बार गलती करने के बावजूद नहीं सीखता, नहीं सुधरता, बट एक आखिरी बार आंटी जी प्लीज़ फॉरगिव मी। देखिए आंटी जी अगर आप मुझे माफ़ नहीं करेंगे ना तो मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उनके पाँव छूकर उनसे विनती विनती करूँगा कि वो लोग मेरी सिफारिश करें आपसे, आपको मुझे माफ करना ही होगा। प्लीज मैं आपके पैर, मैं आपके पैर छूता हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। आप खड़े हुए? अरे आप खड़े हुए? अच्छा माफ किया आप खड़े हुए? खड़े हुए। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू। बीजी बुला रही है तुझे। क्या हुआ, तुम्हें क्या बात करनी थी, जल्दी बताओ। मैं ये रोका नहीं करूंगी। तुम्हें रह रहे के दौरे पड़ते हैं क्या? क्या हो जाता है तुम्हें अचानक से? तुमने मुझे और शर्लिन को यहाँ बुलाया क्योंकि तुम्हें मॉरल सपोर्ट चाहिए था। हम दोनों आए ना, शर्लिन का तो यहाँ आना ठीक था लेकिन मेरा यहाँ पर आना बहुत गलत था। मान ना मान मैं तेरा मेहमान बन गया यहाँ आकर। प्रीता को बोल दिया कि हेलो प्रीता मैं आ रहा हूँ, ऊपर से उसकी माँ सरला रोना, उन्हें भी सॉरी बोलना पड़ा, गलती उसकी थी, उसने मुझसे रूडली बात की थी, लेकिन सॉरी किसने बोला? मैंने। क्यों? Because of you, तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूं। वो दोनों भाई करण और ऋषभ, वो दोनों मेरी खिल्ली उड़ा रहे हैं कि मैं बिन बुलाया मेहमान हूं उसके बावजूद यहां आया। ये सब किसके लिए? तुम्हारे लिए, जस्ट बिकॉज हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते थे, और तुम यहाँ पर जोर का झटका और जोर से दे रही हो, ये बोल रही हो कि मुझे रोका नहीं करना है। भाई देखो मनीषा, मैं कुछ नहीं जानता, मैं नहीं जानता कि
तुम्हारी सोच की सुई एक ही मुद्दे पर आकर क्यों अटक जाती है? देखो मनीष, इस वक्त तुम अपने बॉयफ्रेंड का ख्याल अपने दिमाग से निकालो एंड जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस रोका। मैं कुछ नहीं जानता, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम्हें करण के साथ रोका करना होगा, मतलब करना ही होगा। ये लड़की की तो शादी होने वाली थी ना करण से, ये क्या नौटंकी है? देखो, तुम देखो यार, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी शादी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे बॉयफ्रेंड से होगी। मैं तुम्हारी शादी उसके लिए डंडा प्लेयर से नहीं होने दूंगा। ये पृथ्वी मल्होत्रा का वादा है, तुम बस ये रोका करो। क्या पछाड़ा है इनका? मेरी एक बात कान खोलकर सुन लेना, अगर मेरी ऋतिक से तुमने बात नहीं करवाई ना, तो ये रोका मैं नहीं करूं, समझ गए ना? और फिर मेरे साथ जो भी होगा ना, आई डोंट केयर। सेम हियर। हेलो अगेन। तू दुनिया का सबसे पहला ऐसा पंडित होगा जो गणेश चतुर्थी में दिवाली मनाना चाहता है। वैसे ये जो तेरे हाथ में ना, इससे तो मैं स्कूल टाइम में हाथों में फोड़ा करता था। चल अब सच सच बता कि तू इस बॉम्ब से किसका स्वाहा करना चाहता है, सच सच बता। अब आई सेड अप।